हेलो मैम, तो बताइए ये ना पानी मतलब नींबू पानी कैसा है यहाँ का? बहुत अच्छा है। चाय की और यहाँ पे और भी बहुत कुछ नाश्ते में मिलता है। ये देखिए बोर्ड यहाँ पे, पंडरपुरी चाय, पिंकी स्नैक कॉर्नर। तो ये यहाँ पे नींबू पानी भी मिलता है, आप देख सकते हैं अभी। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम दिन में निकल गए हैं ब्लॉग बनाने और साइकिल से ब्लॉग बनाएंगे नासिक सिटी का और आपको घूम के दिखाएंगे यहाँ का सिटी दिन में कैसा व्यू रहता है। और हमारी साइकिल यहीं पर देख सकते हैं। तो साइकिल में देख लेते हैं हवा है कि नहीं है, और गर्मी से हवा निकल जाती है, देख सकते हैं बहुत कम हवा इसमें, और दो तीन दिन के अंदर ही निकल जाती है हवा। लगता है इसमें वाल ख़राब हो गया या तो पंचर होगी, चेक कर लेते हैं। तो इसमें हवा भर भर के हम परेशान हो गए हैं, जब भरेंगे तो एक दो दिन में ही हवा कम हो जाती है। क्या पता वाल ख़राब है कि पंचर है हल्का सा, देखते हैं, चेक कर लेते हैं। ये गाँव में ऐसे चेक करते थे, अभी पता चल जाएगा ऐसे कितने चेक किया वाल कि ख़राब है कि सही है। ये देखिए वाल ख़राब है, हम इस पर लगाए थे थूक तो ये फूट गया बबल बन के, तो इसका मतलब वाल ख़राब है। लेकिन बहुत लेट में निकलता है वो हवा धीरे धीरे, तो चलते हैं पहले वाल चेंज करा लेते हैं इसका। तो हमें ये रोड क्रॉस करना है, आगे साइकिल की एक दुकान है वहाँ पर चलते हैं, वाल चेंज करा लेते हैं, हवा भरा के फिर चलते हैं हम। तो चल रही है साइकिल हमारी, यहीं पास में साइकिल की दुकान है, तो इधर ही आ गए हैं देख सकते हैं। ये साइकिल का दुकान, और तो छुच्ची निकाल ली है, अभी इसमें वाल लगाएंगे नया, फिर हवा भर देंगे, फिर चलेगा। तो अभी वाल चेंज कर लिए हैं और हवा भी भर लिए हैं, तो और चलते हैं आगे आपको यहाँ का व्यू दिखाते हुए। और यही शॉप है, पास में ही है दुकान। अभी देखिए फूल भर गया है, गर्मी है इतना रहना चाहिए हवा। तो अभी साइकिल चला रहे हैं हम, देख सकते हैं, और यहाँ का व्यू देखते ही चलिए आप। नासिक सिटी में हम हैं और यहाँ पर धूप देख सकते हैं कितना तेज़ धूप है, लेकिन धूप है बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी यहाँ पे मतलब गर्मी मुंबई की तुलना में कम गर्मी है। जितना गर्मी मुंबई में है उतना गर्मी यहाँ पे नहीं है, और उसका एक रीज़न ये है कि यहाँ पे पेड़ बहुत ज़्यादा हैं। आप इस व्लॉग में देख सकते हैं, आपको पेड़ ज़्यादातर दिखाई देंगे यहाँ पे, आपकी नज़र जहाँ भी जाएगी वहाँ हरे भरे पेड़ दिखाई देंगे, इसीलिए यहाँ पे गर्मी बहुत कम है। मतलब मुंबई के मुकाबले में गर्मी कम है, गर्मी तो है यहाँ भी, तो जो पेड़ रहते हैं यहाँ पे गर्मी को खींच लेते हैं, हवा देते हैं ना। और ये रोड यहाँ पे बन रहा था तो ख़राब हो गया, देखिए। तो ये ज़मीन के अंदर गैस का कनेक्शन मतलब पाइप डाला गया है, इसलिए खुदाई किया गया था। पाइप डाल रहे हैं सब। तो अभी हमने पहला स्टॉप ले लिया यहाँ पे, और ये है साइकिल सर्कल, पीछे साइकिल देख सकते हैं सर्कल पे बना हुआ है, और यहाँ पे एक पार्क है घूमने के लिए बना हुआ है, बहुत से लोग सुबह में आते घूमने। और कीर्ति नगर जॉगिंग ट्रैक नाम है उसका, आपको दिखा देते हैं बैक कैमरे से। तो गाइस यही है साइकिल सर्कल, और यहाँ पे बीच में आप देख सकते हैं साइकिल बना हुआ है, इसलिए इस प्लेस का नाम है साइकिल सर्कल। और यहाँ पे देखिए कीर्ति नगर जॉगिंग ट्रैक है, आप सुबह में आएंगे इस पार्क में देखेंगे बहुत से लोग योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सी पब्लिक आती है। और इसके पास में भी यहाँ भी जॉगिंग ट्रैक बनाया गया है, शिवसेना का है, देख सकते हैं, तो इसके अंदर भी बहुत से लोग घूमते हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं साइकिल से, यहाँ का आपने देख लिया है।
तो अभी हमारी साइकिल चालू हो गई है, अभी चल रहे हैं आगे आपको दिखाते हुए। अब ये सीधा मिलेगा कॉलेज रोड पे, तो ब्रेकर था वहाँ पे, साइकिल कूदने लगी थी इसलिए यहाँ पे गर्मी थोड़ा मतलब कम रहती है मुंबई की तुलना में। साइकिल देखिए कितना स्पीड चल रही है। पब्लिक आपको कोई दिखाई नहीं दे रही होगी, एक कैफे है, दुर्गा कैफे देख सकते हैं। तो दुर्गा कैफे में बहुत से लोग आते हैं खाने पीने। और आ गया कॉलेज रोड, तो हमें कॉलेज रोड क्रॉस करके आगे जाना है, तो ब्रेकर आ गया है, तो अभी दूसरा स्टॉप ले लिए हैं और सामने कॉलेज रोड है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो कॉलेज रोड क्रॉस करके आगे चलते हैं हमें। तो ये जो रोड है सामने ही जाएगा कॉलेज रोड में, ये पूरा कॉलेज रोड है, आगे तक जाएगा कॉलेज रोड, लेकिन हम सीधा सामने चलने वाले हैं। और यहाँ पर भी देखिए कीर्ति नगर कॉलोनी का बोर्ड लगा हुआ है, तो जो साइकिल सर्कल था वो कीर्ति नगर में आता है। तो अभी हम रोड क्रॉस करके आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक गाड़ी है, आइसक्रीम का शॉप है ये गाड़ी के अंदर ही। और यहाँ पे डॉन बॉस्को स्कूल है बच्चे लोगों का, और उसके सामने ही एक चर्च है। तो ये चर्च देख सकते हैं, शाम को या सुबह में इधर लोग आते हैं पूजा करने। तो अभी हम यहाँ से राइट ले लेते हैं, इस तरफ आपको घूमते हुए चल के दिखाएंगे। आगे जाएंगे तो प्रसाद सर्कल आ जाता है, तो ये रोड घूम जाते हैं हम। यहाँ पे देखिए नीम का पेड़ है, तो नीम का पेड़ ऐसे बहुत सारा मिल जाएगा आपको घूमते हुए यहाँ पे। कैसा लग रहा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी अगला स्टॉप लेने वाले हम हैं और घूम रहे हैं, अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा हवा भी चल रही है साइकिल पे चलाने पे। देखिए हम कहाँ पहुँच गए। तो अभी हम स्टॉप ले लिए यहाँ पे, और इस सर्कल का नाम है NP सर्कल, और यहाँ पे क्रोमा का शोरूम है और कोटक महिंद्रा बैंक है, आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रोमा का शोरूम है, और इसके सामने ही कोटक महिंद्रा बैंक है, और ये सर्कल है। और सर्कल देखिए कितना अच्छा बनाया गया है, NP सर्कल नाम है इस प्लेस का। उसका देखिए लगाया गया है गाड़ी, गन्ने का जूस भी पी सकते हैं यहाँ पे। लेकिन ये जो रोड जा रहा है गंगापुर रोड में जाके मिलेगा, और इस तरफ जाएंगे तो कॉलेज रोड में जाके रोड मिलेगा। तो ये गन्ने का जूस पी लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे जूस का दुकान था, तो हमने सोचा ले लेते हैं, क्योंकि गर्मी का दिन है तो पी लेना चाहिए, ठंडा ठंडा पी लेते हैं फिर चलते हैं आगे। तो अभी गन्ने का जूस पी लिए हैं, अभी चल रहे हैं हम गंगापुर रोड की तरफ, आपको आगे का सीनरी दिखाते हुए। ये रोड जाएगा आगे गंगापुर रोड की तरफ, तो उसी तरफ चल रहे हैं। इसलिए यहाँ का वातावरण बहुत ही अच्छा रहता है, क्योंकि सब जगह पे आपको पेड़ मिल जाएंगे। और यहाँ पे HDFC बैंक भी है, और स्टेट बैंक भी यहाँ पे है, IDBI बैंक यहाँ पे है, तो बैंक बहुत सारे यहाँ पे हैं। इधर चाय का शॉप है, ये सामने SBI है,
और अभी आ गए हम तो यहाँ पे पंडरपुरी चाय है और ये सामने रोड है, गंगापुर रोड है। इधर देखिए कितना बड़ा बिल्डिंग है और हम इस तरफ से आए हुए हैं तो अभी चलते हैं आगे। तो यहाँ पे पंडरपुरी चाय का एक स्टॉल है तो वहाँ पे चलते हैं, हम चाय पी लेते हैं और आपको भी दिखा देते हैं यहाँ का शॉप कैसा है। तो देख सकते हैं यही शॉप है पंडरपुरी चाय। पंडरपुरी तंबाकू आपने खाया होगा लेकिन यहाँ का चाय हम पहली बार पियेंगे, चल के देखते हैं कैसा चाय है। तो ये देख सकते हैं चाय का शॉप है और यही शॉप है यहाँ पे। तो यहाँ पे गुड़ की चाय मिलती है, लेमन टी, ब्लैक टी, बहुत सारा अलग अलग कैटेगरी की चाय मिलती है तो हम यहाँ पे गुड़ की चाय पीने वाले हैं। तो ऑर्डर दे दिए हैं और गुड़ का चाय यहाँ पे बन रहा है और भी बहुत से लोग यहाँ पे चाय पीते हैं तो हम आपको पूछ के बताते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है चाय का। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ ऊपर टी, कॉफ़ी, लेमन टी, ब्लैक टी, तो काफ़ी सारी वैरायटी है चाय की। और यहाँ पे और भी बहुत कुछ नाश्ते में मिलता है, ये देखिए बोर्ड यहाँ पे पंडरपुरी चाय, पिंकी स्नैक कॉर्नर, कांदा पोहा, इडली सांभर, कमन ढोकला, मेदू वड़ा, ये सब यहाँ पे नाश्ता भी मिल जाता है। तो ये दिन में सुबह भी मिलता है कि कब टाइम इसका है? सुबह भी मिलता है कि सुबह में ये नाश्ता मिलता है? मतलब वो 8 बजे चालू होता है, 1 बजे तक खत्म हो जाता है। 1 बजे तक खत्म हो जाता है तो इसमें से जो भी नाश्ता करना है आप सुबह में आके यहाँ पे नाश्ता कर सकते हैं। और ये शॉप है, यहाँ पे बहुत से कस्टमर लोग अंदर हैं, देखिए यहाँ पे भी लगाए हुए हैं बहुत खमंग, इडली, मेदू वड़ा, उत्तप्पा, तो यहाँ के सब कस्टमर हैं। हेलो हेलो सर, कैसा यहाँ का टेस्ट है चाय का? आप रेगुलर पीते हैं क्या यहाँ पे? और सुबह में जो नाश्ता मिलता है वो भी आप आते हैं करने? अच्छा, हेलो मैम, आप बताइए यहाँ का चाय का टेस्ट कैसा है? अच्छा है। और जो नाश्ता बना दे सुबह में वो, तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे यहाँ की चाय के बारे में कि लोगों को आना चाहिए पीने? हाँ, तो ये सब मैम के साथ में यहाँ पे देखिए बराबर आते हैं चाय पीने। हेलो सर जी, हेलो, बताइए कैसा टेस्ट है यहाँ का चाय का? बढ़िया है ना। हाँ, तो आप गुड़ का चाय पीते हैं या शक्कर का, कौन सा आपको पसंद है? गुड़ वाला चाय, तो ज़्यादातर लोगों को गुड़ वाला ही पसंद आता है। हाँ, तो हम भी गुड़ का ऑर्डर दे दिए तो पी लेते हैं फिर। तो अभी हम चाय पी रहे हैं और नासिक में गुड़ का चाय ज़्यादा मिलता है, शक्कर का भी मिलता है लेकिन ज़्यादातर लोगों को गुड़ का चाय पसंद आता है और हम भी जब आते हैं तो गुड़ का ही चाय पीते हैं यहाँ पे। तो आप लोग कमेंट करके बताएं आपको गुड़ वाला चाय पसंद है कि शक्कर वाला चाय पसंद है। A few minutes later. तो ये यहाँ पे नींबू पानी भी मिलता है, आप देख सकते हैं अभी लेके आए बना के। यहाँ पे नींबू पानी भी पी सकते हैं और ये सिर्फ 15 रुपये में आपको मिल जाएगा, देख सकते हैं कितना अच्छा है। तो टेस्ट कर लेते हैं हम, यहाँ पे भी बहुत से लोग हैं पी रहे हैं। बहुत ही टेस्टी है तो आप यहाँ पे आकर ट्राई कर सकते हैं, मसाला वाला है। हेलो मैम, तो बताइए नींबू पानी कैसा है यहाँ का? तो आप रेगुलर यहाँ पे पीते हैं क्या? हाँ, रोज हम यहाँ पे आते हैं। अच्छा, तो मैम यहाँ पे रेगुलर आके पीते हैं तो आप भी आके यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। तो सर जी शॉप का एड्रेस बता रहे हैं तो आप इस एड्रेस पे आ सकते हैं। हेलो सर जी, पंडरपुरी चाय, KBT सर्कल, सत्य नगर, गंगापुर। ओके, थैंक यू। तो हमने चाय पी लिए हैं और अभी हम चल रहे हैं आगे। तो आप लोगों को सुबह में नाश्ता करना है या चाय पीना है या नींबू पानी पीना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो हम चलते हैं अभी।